मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत जो है गद्य भाग में से अब तक हमने 4 अध्यायों का अध्ययन किया है। आज हम उसी के अंतर्गत 5वां अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस बीच में जो हैं 2 अध्यायों को घटाया गया है क्योंकि COVID-19 महामारी के वजह से। लेकिन इस साल जो है उस अध्यायों को फिर से जोड़ते हैं तो वो मैं अंत में आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो जो घटाए गए गद्य भाग में से 2 अध्याय हैं, एक था धूल और दूसरा है कीचड़ का काव्य। तो उसके वह जो है मैं यदि फिर से उन अध्यायों को जोड़ते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो चलिए 5वां अध्याय जिसका शीर्षक है धर्म की आड़। आड़ यानी पर्दा, आश्रय, शरण लेना, ठीक है। धर्म का जो है पर्दा कह लीजिए या आश्रय लेना, बहुत सारे लोग जो हैं वो धर्म का आश्रय लेते हैं, शरण जाते हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। आप उनका जो चित्र है वो देख सकते हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी का जो छोटा सा परिचय जो है इस पाठ पढ़ने से पहले हम देखना ज़रूरी समझेंगे। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले इन लेखक का परिचय जानते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1991 में हुआ है। क्षमा कीजिए, यहाँ पर जो है 90 दिया गया है। तो 91 या 90 में मान लीजिए, क्योंकि पुराने किताब में जो है 1891 बताया है, इसमें जो है 1890 बताया है। तो दोनों भी सही हैं क्योंकि एक किताब में आपके पास पुरानी किताब है तो 1891 होगा, या जो मैं यहाँ पर लिया है 1890 लिखा है। तो दोनों ही सही हैं क्योंकि वहाँ पर लिखा गया है, आप द्वंद्व में ना गिरे। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम, देखिए मुलाजिम दफ्तर यानी ऑफिस है, मुलाजिम यानी कर्मचारी या एम्प्लॉई कह लीजिए अंग्रेजी में, हो गए थे, ठीक है। एंट्रेंस पास होकर पास करने के बाद, ठीक है। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया, ठीक है। प्रताप साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं बहुत ही बड़े आलोचक भी माने जाते हैं, साहित्यकार माने जाते हैं, बहुत सारे इनके कविताएं, लेख जो हैं देखने को मिलते हैं, उनके ये जो है शिष्य थे। उन्हीं के प्रेरणा से आज़ादी की अलख यानी प्रेरणा, ठीक है, जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। देखिए यदि आपको अनुवाद करना है तो उसका पूरा जो
ज्ञान जो है आपको होना चाहिए और उस कृति को जो है आप पूरी तरह से पढ़ना पड़ता है, ना केवल पढ़ना है उसे जानना भी ज़रूरी है, तभी जाकर आप जो है अनुवाद कर सकते हैं। इसीलिए अलग जो है उनमें प्रेरणा जगाने का जो काम है आज़ादी का, वह इनके अनुवाद के जरिए जो है मिल गया। आगे देखेंगे, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। तो इसीलिए जो है उसके साथ साथ जो है पत्रकारिता का भी इन्होंने कार्य जो है किया है। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। देखिए, आजकल तो जेल में जाना इसका मतलब है जो कोई अपराध करके जाता है, उस समय जो है स्वतंत्र पूर्व के समय जेल जाना केवल देश को आज़ाद करने के लिए होता था। ऐसे चोरी किया या खून किया, ये केवल जो है चोरी करना खून करना उस समय नहीं था, ज़्यादातर जो है देश के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है जेल जाते थे, जेलों में बिता इनका ज़्यादातर समय। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली, अंग्रेज सरकार को जो है संतुष्टि जो है नहीं मिली उनको। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। अखबार बंद करवाना चाहते थे, ठीक है। तो अखबार से क्या हो जाता है, बहुत लोग पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता के बारे में उनको जो है उन लोगों में जागृति पैदा हो सकती है, इसीलिए बंद करवाना चाहते थे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी यानी स्टूडेंट नहीं है पर गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इन्हीं मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, तो देखिए एक जब 1931 में सांप्रदायिक दंगे जो हुए वो शांत करवाने गए थे, तभी इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। इसीलिए इस मृत्यु को जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि काश ऐसी मौत मुझे मिली होती, जो ऐसी मृत्यु जो है वह मुझे मिली होती, ऐसे उन्होंने जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को संबोधित किया। तो देखिए आगे क्या होता है, विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, देखिए जो उस समय के हालात थे उन पर इन्होंने लिखा है, जैसे गरीबों, किसानों, मजलूमों यानी जिसका जुल्म किया गया हो, जिस पर जुल्म किया गया हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार यानी बयान करना, ठीक है, करते थे। हमदर्दी यानी सहानुभूति है। देश की आज़ादी की मुहिम यानी मोर्चा कह लीजिए में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथ लेना यानी उसे बराबर जवाब देना। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। जो उस समय जो है जो आपसी भाईचारा, ज़्यादातर अंग्रेज लोग जो है आपसी में झगड़ा जो करवा कर जो है उनको अलग अलग करना, ऐसे लोगों से ये जो है उनको जमकर उनकी खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। उनकी जो भाषा है सरल है लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली भी जो है इनकी भाषा थी। तो ये था गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में।
और जो प्रस्तुत पाठ है उसके बारे में क्या कहा गया है, संक्षिप्त में इन्होंने जो है सारांश को उसमें बताया गया है। प्रस्तुत पाठ धन की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों यानी इच्छाओं को, ठीक है, इरादों और कुटिल बेईमानी चालों को बेनकाब किया है, पर्दापाश किया है, जो धर्म की आड़ लेकर यानी आश्रय शरण लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक यानी विचार, ठीक है, फिराक में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इन्होंने जो है यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर जो है कुछ भी कार्य कर लड़वा कर या कुछ स्वार्थ, अपना स्वार्थ जो है सिद्ध करने के लिए तैयार हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो ऐसा नहीं है। विद्यार्थी यानी गणेश शंकर विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चले हैं। इन सभी का जो है कुकर्म कौन करते हैं, दुराचार, ठीक है, कैसी कैसी अनीतियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग रहते हैं और वर्ग समाज उनके शिकार हुए हैं इनके वजह से, इसका सारा जो खुलासा है इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए, इस तरह हमने संक्षिप्त रूप में जो है सारांश के साथ साथ गणेश शंकर विद्यार्थी का जो है संक्षिप्त जीवन परिचय जान लिया। तो पाठ का शीर्षक है धर्म की आड़। तो चलिए, यहाँ पर जो है गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हैं, पाठ का आरंभ होता है, इस समय देश में धर्म की धूम है। धूम यानी शोर, ठीक है, शोर कहते हैं, धूम का अर्थ होता है शोर। तो इस समय देश में क्या है, धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं, उत्पात यानी उपद्रव्य क्रोध कह लीजिए, तो धर्म और ईमान के नाम, फेथ ईमान यानी फेथ सच्चाई कह सकते हैं, के नाम पर और जिद की जाती है, और जिद की जाती है, तो धर्म और ईमान के नाम पर रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी धर्म के लोग होते हैं जो अपने धर्म के लिए मर मिटना योग्य समझते हैं, जान लेने भी और जान देने भी तैयार होते हैं। ऐसे लोगों से जो है यहाँ पर वे कह रहे हैं कि यहाँ आजकल जो है देश में धर्म की धूम मची हुई है। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हैं उत्पात यानी यहाँ पर क्रोध, तो किस तरह यहाँ पर देख सकते हैं दंगा फसाद करना, जो सार्वजनिक स्थलों पर जो है वहाँ पर कुछ भी वस्तुओं को, जो बहुमूल्य वस्तुओं को जलाकर देना। तो यहाँ पर पहले दृश्य में आप देख सकते हैं कि झगड़ा फसाद के लिए इन्होंने जो है लकड़ियाँ लेकर, डंडे लेकर जो है मारपीट कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और दूसरे चित्र में जो है दंगा फसाद कर जो है कुछ गाड़ियों को हो या बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुओं को उन्होंने जलाकर खाक कर दिया। ये सब आपको जो चित्र है इसमें दिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। देश में
कोई भी जो है ऐसी संघर्ष की घटना हो जाती है तो ये दृश्य जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर इसमें जो है बहुमूल्य वस्तु हो, कार, बाईसाइकिल, ये सब जो है जलाकर डाल देते हैं। पत्थरबाजी कह लीजिए, लाठियाँ लेकर दूसरों को पीटना। उबल पड़ने वाली साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता। इसमें केवल एक ही जो लोग हैं उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो हैं जो साधारण आदमी, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जोत जाते हैं। तो आप देखा होगा कि जो जोतने की क्रिया जो है, आप रस्सी बांध कर जो है झूले को बांधते हैं, किधर आप जोत देते हैं उधर वह हिलने लगता है, आगे जोत देने से जो है आगे पीछा करने लगता है। उसी प्रकार ये जो साधारण व्यक्ति हैं, जिधर जोत देते हैं किधर जो है ज़्यादा तुकांत होता है उधर ही यह जूत जाता है। जूत जाना यानी इसका अर्थ है जोतना, ठीक है, तो उधर ही वह निकल पड़ते हैं। आपको समझ में आया, यानी साधारण वस्तु, साधारण आदमी जो है वह जो धर्म के लोग किधर जोत देते हैं उधर ही वह जोत जाते हैं। यथार्थ दोष है कुछ चलते फुरजे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों का अर्थ है मूर्ख, गवार के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। देखिए, आजकल देख रहे हैं जितने भी आप होशियार हैं आपका कुछ चल नहीं पाता, वही जो है अनपढ़ है, बहुत सारा उसने नायकत्व है और वैसे लोगों का बोलबाला है, और जो गरीब होते हुए भी वो होशियार है उसका कुछ नहीं होता है, नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे, ठीक है। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। तो इसीलिए जो है उनको धर्म का जो है आश्रय लेना, आश्रय लेना बहुत ही योग्य समझते हैं ऐसे लोग, सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, यानी इसका अर्थ ये भी बता रहे हैं कि यही सुगम है, यानी यही सरल है, इसीलिए वे कहते हैं कि तो धर्म के आड़ में जाकर जो है ये आश्रय लेते हैं। उनको उतना जो है ये साधारण व्यक्ति जो हैं जितर जोत देते हैं उधर जोत जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि धर्म के आड़ यानी आश्रय है शरण लेना, ये क्यों होता है, क्योंकि जो साधारण आदमी है उसे समझ और जो है दूसरों लोगों के उसे जैसे समझ बूझता जो है वह कम दिखाई देती है, और जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं धर्म के प्रति जिधर जोत देते हैं उधर वह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वह दुविधा में हैं, द्वंद्व में हैं, इसीलिए उनका जो है ऐसे कार्य करना अनिवार्य हो जाता है। आजकल जो है इनको धर्म ईमान बुराइयों का काम लेना उन्हें सबसे सुगम, इस माध्यम को बनाकर जो है लोग जो है अपना काम जो है सिद्धि कर ले रहे हैं, तो यह सुगम लग रहा है उन्हें, और यह विचार जो है सुगम ही है ऐसे कहते हैं। तो इस तरह आज हमने गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय जो है उसका विवरण अध्ययन किया।
उसके साथ साथ धर्म की आड़ जो है उसका हम विवरण जो है कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में जो है इसकी अगली कथा जो है उसे बरकरार रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अच्छी तरह से इसे ध्यान देकर जो है पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।